हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे समटाइम्स आपके पास ऐसा होता है कि जो आपके सिस्टम में स्टोरेज अवेलेबल होती है वो एक्चुअली जो आपकी हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड होती है उससे कम स्टोरेज आपको अवेलेबल होती है और कुछ स्टोरेज आपकी वेस्ट हो रही होती है। इसकी नॉर्मली वजह ये हो सकती है कि आपकी हार्ड ड्राइव प्रॉपरली कन्फिगर्ड नहीं है, उसकी पार्टीशंस प्रॉपरली कन्फिगर्ड नहीं है, तो इस केस में आपकी कुछ स्पेस अनयूटिलाइज्ड या वेस्ट जा रही होती है। आज की ये वीडियो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेगी कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी कोई भी स्टोरेज वेस्ट नहीं हो रही। मेरे पास ये हार्ड ड्राइव है, 1 TB की हार्ड ड्राइव है और इसको मैं एज एन एक्सटर्नल ड्राइव यूज़ करता हूँ, लेकिन जब मैं इसको प्लग इन करता हूँ अपने कंप्यूटर में तो आप देख सकते हैं कि ये 2 फर्स्ट ड्राइव्स हैं, इनको आप इग्नोर कर दें, ये मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। ये 2 पार्टीशंस मेरे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स की बनी हुई है, जी और एच। एक है 245 GB और एक 390 GB। अगर आप इन दोनों को एड अप करें, 245 प्लस 390, तो ये 635 GB मुझे अवेलेबल है 1024 GB में से, 1000 GB में से 635 GB अवेलेबल है और बाकी वेस्ट हो रही है हमारे पास। तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि ये कहां पर मिसकन्फिग्रेशन है और किस वजह से हमारी ये स्टोरेज वेस्ट हो रही है। आप भी इस मेथड को यूज़ करते हुए वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी कोई स्टोरेज ज़ाया तो नहीं हो रही। सो आप स्टार्ट या विंडोज़ के बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप टाइप करेंगे COMP और कंप्यूटर मैनेजमेंट के ऑप्शन पर जाएंगे। कंप्यूटर मैनेजमेंट में आपके पास लेफ्ट साइड पर ऑप्शन है डिस्क मैनेजमेंट का, डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। डिस्क मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं आपके पास 2 हार्ड ड्राइव्स इंस्टॉल्ड हैं। ये आपकी प्राइमरी ड्राइव है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, डिस्क 0। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके लैपटॉप में ड्राइव इंस्टॉल होती है, हार्ड ड्राइव इंस्टॉल होती है या SSD, वो आपको डिस्क 0 या ड्राइव 0 के नाम से शो होगी। सो ये 232 GB की हार्ड ड्राइव मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, इसकी पार्टीशंस ओके नहीं है और हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हमें इशू आ रहा है डिस्क 1 में, जो एक्सटर्नल ड्राइव हम यूज़ कर रहे हैं। डिस्क 1 हमारे पास 1 GB, ऑलमोस्ट 1000 GB, 1 TB की हार्ड ड्राइव है और इसमें हमारे पास 3 पार्टीशंस बनी हुई हैं, 3 मेन पार्टीशंस हैं, जी, एच, और ये हमारे पास अनएलोकेटेड स्पेस आ रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 2 ड्राइव्स यूज़ हो रही हैं, ये ब्लू मार्किंग में आ रही हैं, इनको ड्राइव लेटर भी असाइंड है, इसका ड्राइव लेटर जी है और इस पार्टीशन का ड्राइव लेटर एच है। सो ये अनएलोकेटेड स्पेस कुछ जा रही है जो कि हमारे पास अब तक वेस्ट हो रही थी। सो अभी हम रिकन्फर्म कर लेते हैं कि यही स्टोरेज है जो हमारे पास मिसिंग है, 294.92, ऑलमोस्ट 295। सो इसमें हम 295 ऐड अप कर लेते हैं तो 930, ये 1 TB की ड्राइव है हमारी, तो ये हमारे पास कंप्लीट स्टोरेज अवेलेबल हो जाएगी। ओके, सो अनएलोकेटेड स्पेस पर आपने राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम पर जाएंगे, आपके पास एक विंडो ओपन हुई है, इसको नेक्स्ट करेंगे। ये आपके पास कंप्लीट अनएलोकेटेड स्पेस है, इसको आप एक ड्राइव भी बना सकते हैं और इसको डिवाइड करके मल्टीपल ड्राइव्स भी बना सकते हैं। सो हम जितनी भी स्टोरेज, जितनी भी स्पेस अवेलेबल है इसको इसके साथ ही हम जाएंगे। ओके, ड्राइव लेटर हम क्या असाइन करना चाह रहे हैं, CD ऑलरेडी असाइंड है, GH, और इसको हम ड्राइव लेटर I कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दें, मोस्ट ऑफ द टाइम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यूज होंगी। ये आपके पास स्टेटस शो हो रहा है फॉर्मेटिंग का, सो आपके पास ये मैसेज भी आ गया, न्यू वॉल्यूम आए। सो हमारे पास न्यू पार्टीशन आए बन चुकी है और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं डिस्क PC में जाके।
सो पहले हमारे पास दो ड्राइव्स आ रही थी एक्सटर्नल के लिए, जी और एच। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 300 GB की एक और ड्राइव आ रही है। सो आप वेरीफाई कर लें कि इस पर डाटा रीड और राइट हो रहा है। सो इस तरह आप कंफर्म कर सकते हैं आपकी कोई स्टोरेज वेस्ट तो नहीं हो रही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।